11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 2022 का समापन रविवार को आइस हॉकी रिंग काजा में हुआ। इस समापन समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 2022 का फाइनल मैच ITBP और आर्मी की टीम में खेला गया, जिसमें ITBP की टीम विजेता रही और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। आर्मी की टीम को सिल्वर और लद्दाख की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अपनी साथी खिलाड़ी को बहुत अच्छा पास लंबा पास और ये मौका बहुत अच्छा यहाँ पर गोल करने वाले सुनाकर दोनों बिल्कुल तैयार, कोई मौका नहीं, बहुत अच्छे मौका था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्लास किया गया आर्मी के खिलाड़ियों द्वारा और मुझे द्वारा पसंद और दोनों इसी में वापस से प्रेसर करेगी। कोशिशों बाकी है इस मैच में आर्मी की टीम को अपनी वापसी करनी होगी। आर्मी की टीम अभी भी एक गोल से पीछे गई है, बहुत ही खूबसूरत है जहाँ पर आर्मी वर्सेज ITBP के बीच में दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत। ये आखिरी पूरे खेला जा रहा है इस मैच का, दोनों ही टीमें एक काफ़ी से तैयार प्रेसर के लिए। और सीधी से मैच शुरू होता है ITBP के खिलाड़ियों का।